दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कोई भी अगर सिंपल बार ग्राफ या सिंपल लाइन ग्राफ जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सिंपल लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीपल लाइन ग्राफ के बारे में बताया है, आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है अदरवाइज जिससे आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो गलती में बच्चों हमेशा क्या करते हैं पता है, स्केल लिखना भूल जाते हैं। तो आपको हमेशा स्केल के बारे में याद रखना है, भूलना नहीं है, स्केल लिखना है। ये स्केल कौन से बेसिस पे लिखते हैं, इसके बेसिस पे। यहां वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, 10 है, और ये क्या है ये देखना है आपको। जैसे यहां पे ईयर है तो इसलिए वाई एक्सिस पे 10 ईयर लिखा है। क्या है आगे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये चीजों को आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद एक्स एक्सिस पे जो दिया है उसका भी वो क्या है वो भी आपको यहां से लिखना है। तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट वाला है वो एक्स एक्सिस का होता है, जो सेकंड वाला है वाई एक्सिस का। तो याद रखना ये तीन चीज आपको मिसिंग नहीं करना है, अदरवाइज ये गलती करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको लग रहा होगा नुकसान बहुत बड़ा, अगर ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, क्योंकि 3 मार्क्स का ये, 3 मार्क्स का ये, टोटल 6 मार्क्स का है। तो हो सकता है कि आपको 3 में से 1.5 मिले, 1 मिले या 2 मिले। तो इतना छोटा सा मिस्टेक की वजह से आप क्यों अपने मार्क्स को, अपने मार्क्स, एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको सिस्टमेटिक समझा होगा। अगर आपको ये ड्रॉ करने नहीं आता होगा तो इसी चैनल पे मैप रीडिंग सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल मैप रीडिंग गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।